नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, 11 अगस्त गुरुवार के दिन है रक्षाबंधन। आज ही के दिन है व्रत की पूनम, और शुक्रवार का दिन भी दोस्तों पूनम का ही दिन माना जाएगा, क्योंकि उदया तिथि शुक्रवार के दिन है। हाँ, जो लोग व्रत उपवास कर रहे हैं वे लोग गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं। रक्षाबंधन का दोस्तों जो त्योहार है बहुत ही शुभ और पवित्र त्योहार है। आज के दिन रक्षा सूत्र हाथ में बांधने मात्र से तमाम प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन ये काम भी जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस काम को करने से तमाम प्रकार के देवता, जो 33 कोटि देवता है, मैं आपको बता दूं, कई वीडियोज में सुना 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता है। इस उपाय को करने से 33 प्रकार के देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। कितने ही शुद्ध आत्माओं के आपके ऊपर शुभ आशीर्वाद उतरते हैं। आप देखो, कोई भी अच्छा काम है तो क्यों हम मीठा खाते हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिन चीजों का यूज जिस समय किया जाता है उसके पीछे जबरदस्त कारण है। बिना कारण के कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, आप मान लो। ये जानकारी जो देने के लिए जा रही हूँ, अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो जैसे मैं बता रही हूँ, अच्छी चीज से शुरुआत करें, बराबर। सबसे पहले तो सुबह उठते के साथ आप शहद को चख लें। शहद को चखने मात्र से, चाहे तो आप स्नान के पहले चखें, व्रत उपवास करने वाले लोग स्नान के बाद में चखें, लेकिन शहद चखने से पहले कोई भी चीज ना खाएं पिएं। शहद से ही आज के दिन की आप शुरुआत करें। फिर से बता दूं, दुनिया भर की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनकी आपके ऊपर कृपा बरसती है, और जबरदस्त रूप से बरसती है। जैसे आपके दिन की शुरुआत होगी पूरा दिन वैसा ही जाएगा। आप गुरुवार के दिन भी इस उपाय को करें, शुक्रवार के दिन भी आप इस उपाय को करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। आज के दिन नहाने के पानी में हल्दी जरूर डालें। आज के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालने से भगवान नारायण माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसती है, जो नेगेटिव एनर्जी से वो शरीर से दूर भागती है। आज के दिन नहाने के पानी में भी आपको हल्दी जरूर डालनी है। दूसरा, जब आप रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं अपने भाई को, उस समय जब आप मिठाई खिलाते हैं, जरा सा शहद जरूर आप एक प्लेट में रखें, और यदि आपके द्वारा आपका भाई शहद को लेता है, चखता है, समझिए उसकी लाइफ से तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज का अंत आ जाता है। मिठाइयों में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन शहद शुद्ध है, साफ है, हर देवी देवता इसका स्वीकार्य करते हैं। आपके शरीर में तमाम जो देवी देवता हैं वो इसका स्वीकार करते हैं सहर्ष भाव से। कोई उन्हें तकलीफ नहीं होती है, कोई उनके अंदर मतलब पॉजिटिव एनर्जी डेवलप ना हो ऐसे कोई कारण ही नहीं बनते। शहद हर देवी देवता बड़े प्रेम से स्वीकार करता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा देता है, तमाम प्रकार के संकटों से आपकी रक्षा करता है। आज के दिन रक्षाबंधन में जब आप राखी बंधवाते हैं, शहद जरूर चाहिए। दूसरा, आज के दिन घर में शहद ला करके धन स्थान में रखते हैं। आज के दिन शहद धन स्थान में रखने से हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है। तो आज बिना पिए शहद का ये जो यूज है, इतना आप जरूर कर लें। आप देखेंगे हमेशा घर में पैसा आता रहेगा, और जो रिश्ते हैं उसमें मधुरता आएगी, प्रेम आएगा। करें, क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जैसे